सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी से लेकर रतन टाटा तक तमाम उद्योगपति को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया था। तो आइए अब जानते हैं कौन कौन उद्योगपति अयोध्या पहुंच चुके हैं। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के लगभग सभी बड़े कारोबारी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा से कर तमाम बड़े बड़े उद्योगपति को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन अयोध्या पहुंच चुका है। उद्योगपति अनिल अंबानी अयोध्या पहुंच चुके हैं, वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है। आप फोटो वीडियो में देख सकते हैं, अनिल अंबानी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर चिरंजीवी से अयोध्या में बातचीत कर रहे हैं। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी भी साथ दिख रही हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने पति अनंत पीरामल के साथ अयोध्या पहुंच चुकी है। ईशा अंबानी ने कहा, आज का दिन बेहद खास है। जबकि अनंत पीरामल इस मौके को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब एक ही था, जय श्री राम। वहीं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या का भव्य नजारा देखने के लिए अनिल अग्रवाल अयोध्या में मौजूदा इलेक्ट्रिक ओपन कार से निकले। उनके चेहरे पर साफ खुशी झलक रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा, पहले उनका भी बाबा बनने का प्लान था, लेकिन काम में फंस कर रह गए, जिसके बाद उनके साथ मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। वहीं बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला अपनी बेटी अनन्या बिरला के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या पहुंच चुके हैं। साथ ही मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी पत्नी श्लोका मेहता के साथ राम मंदिर पहुंच चुके हैं। इस मौके पर आकाश अंबानी ने कहा, आज के दिन को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, हम यहां आकर बहुत खुश हैं। इजी माई ट्रिप के सीईओ एंड को फाउंडर निशांत पिट्टी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीयों के लिए बेहद गर्वपूर्ण है। भगवान राम सबको खुश और समृद्धि दे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।